देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर शुक्रवार को होना सुनिश्चित हुआ है। जिस क्रम में अमर जवान ज्योति के सम्मुख जो है भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, NDRF, CISF, RPF और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रीत चढ़ाई जाएगी और आर्मी के बैंड पे गॉड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट शहीदों को दिया जाएगा। उसके बाद भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती का आयोजन है, जो कि एक विशेष आकर्षण का विषय रहता है, जिसमें 21 ब्राह्मणों द्वारा, 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती की जाएगी और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए जो है वो जिला प्रशासन के साथ बैठक भी हो चुकी है और यहाँ लोकल लेवल पे भी जो है बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, तैयारियाँ जो है पूर्ण हो रही हैं और स्वयं सेवकों की संख्या जो है वो संस्था द्वारा बढ़ा दी गई हैं, ताकि किसी भी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लगभग 25 CCTV कैमरास जो है वो पूरे दशाश्वमेध घाट प्रांगण पे और दशाश्वमेध घाट पे आने वाले जो रास्ते हैं, जितने तरीके के रास्ते हैं, उन सभी रास्तों पे विशेष निगरानी रहेगी। देखिए, इस वर्ष 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से ये 25वां वर्ष है जिसको गंगा सेवा निधि शौर्य की रजत जयंती के रूप में मनाने के लिए मना रही है और उसी थीम पे, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक थीम पे जो है भव्य तरीके से दशाश्वमेध घाट को तिरंगे के थीम पे और तिरंगे की लाइटिंग कॉन्सेप्ट पे जो है वो सजाया जाएगा, जो कि घाट के साथ साथ आपका नाव से भी जो लोग नौका संचालन भी करेंगे उन लोगों को भी वहाँ से दिख सकेगा। इस तरीके से भव्य जो उसको स्वरूप दिया जा रहा है।